हमारे लिए आज की अंजील मुक़दस मुकदस, मुकदस लूक की अंजील उसका इक्कीसवा बाब उसकी बारहवीं आयत से उन्नीसवीं आयत तक लेकिन इन सब बातों से पहले वो मेरे नाम के सब से तुम पर हाथ डालेंगे और सताएंगे अबादत ख़ानों और कैद ख़ानों में ले जाएंगे और बादशाहों और हकमों के सामने पेश करेंगे और ये तुम पर शहादत के लिए आएगा बस अपने दिल में ठान लो कि हम पहले से फिक्र ना करें कि क्या जवाब देंगे इसलिए कि मैं तुमसे ऐसा कलाम और हिकमत दूंगा कि तुम्हारा कोई मुखालफ सामना करने और खिलाफ कहने का मकतूब ना रखेगा और माँ बाप और भाई और रिश्तेदार और दोस्त तुम्हें गिरफ्तार करवाएंगे और तुम में से बास कत्ल किए जाएंगे और मेरे नाम के स्वप से सब लोग तुमसे कीना रखेंगे लेकिन तुम्हारे सर का इकबाल भी बीका ना होगा अपने सब्र से तुम अपनी जानों को बचाए रखोगे पाकलाम के पड़े और सुने जाने पर खुदावंत की बरकत हो खुदावंत का शुक्र हो आज लतूरिया साल के आखिरी हफ्ते का बुध तेईस नवंबर आज की पहली तलावत मुकाशफा की किताब में से मुकाशफा की किताब एक इलाही इंटरवेंशन है एक इलाही मदद है जो सात कलीसियाओं को दी गई है पितमस में तुर्की के एक जजीरे में मुक़दस योहन्ना बैठे हैं और वहाँ पर उन्हें उन पर ये अलत आती है इंस्पिरेशन आती है कि लिख और इन कलिसियाओं को बता ये कौन सी कलीसियाँ ये वो सात कलीसियाएँ हैं जो कि ईजा रसानियों का शिकार थीं और जिनके जो गवर्नर हैं जिनके जो बादशाह हैं वो इन मसीहों को बदलना चाहते हैं ये चाहते हैं कि ये मसीहत को छोड़कर कर हमारी पस् करें बुतों की प्रस्िश करें और इसलिए इन सात कलीसियाओं को बहुत दुख और तकलीफ़ का सामना इसीलिए खुदा जो है वह मुक़दस के ज़रिए ये मुनकश करता है ये मुकाशवा देता है कि इन कलीसियाओं को बताओ कि किस तरीके से खुदा तुम्हारे साथ है और वो हर तरह तुम्हारी मदद करेगा आज की अंजील मुक़दस में खुदा यस्सु मसीह इस बात पर हमें बताते हैं कि किस तरह से मेरे नाम यानी यस्सू के नाम से बहुत सारे ईमान लाने वालों पर मुसीबतें भी आएंगी तकलीफ़ें आएंगी दुख आएँगे लेकिन यसु ने कहा कि तुम्हें तैयारी करने की ज़रूरत नहीं मैं तुम्हें हेकमत दूंगा रूल्कद जो है वो तुम्हारी मदद करेगा और फिर यसु ने यह भी कहा कि यहाँ तक कि तुम्हारे अपने माँ बाप रिश्तेदार ये भी तुम्हें छोड़ जाएंगे और तुम्हें अदालतों में और बादशाहों के सामने पेश करेंगे तो आज मेरे अजीज़ भाई और बहनों इन दोनों तलावतों के जरिए से हमें क्या पैगाम मिलता है नंबर एक के मसीहत को कबूल करने सच्चाई को मानने और ज़िंदा खुदावन खुदावंदू मसीह पर ईमान रखने में ऐसी कलिसियाएँ भी हैं जिनको बहुत सारे मसाइल प्रोसिक्यूशन ईज़ा रसानी का सामना था है और होता रहेगा लेकिन चूँकि सच्चाई सच्चाई ही है ज़िंदगी ज़िंदगी ही है खुदावन यसु मसीह जिंदा है और वो मौत पर गालिब आया है इस वजह से किसी भी सूरत किसी भी ईमानदार को मसीह पर ईमान लाने वाले को डरने की मौत से भी डरने की ज़रूरत कोई नहीं है क्यों क्योंकि यसु ने मौत पर भी फतः पाई है मौत पर फतह पाई है इसलिए अब मौत का डंग जाता रहा इसलिए अगर हमें भी अपनी ज़िंदगी देनी पड़े तो हमारे लिए हमेशा की जिंदगी है जो कोई हाथ नहीं लगा सकता जो कोई छू नहीं सकता तो वो मसीही हमारी इस दुनिया में जो ईज़ा रसानियों का शिकार है जिन पर बड़ी रिस्ट्रिक्शंस की जाती हैं बहुत सारे ममालिक हमारी दुनिया में जहाँ पर मसीहों को आ, अंडरग्राउंड होकर बातें करनी पड़ती हैं और अगर गवर्नमेंट को पता चल जाए या अगर दूसरे मज़ाहब के लोग को पता चल जाए कि किस तरह से मसीही जो है ये आपस में इबादत कर रहे हैं तो वहाँ पर जुल्म सितम होता है काफ़ी ईजा आसानियाँ होती हैं तकलीफ़ें और दुख दिए जाते हैं उन्हें तो ऐसे में हमें घबराने की जरूरत नहीं है मैं कहता हूं कि हम पाकिस्तान में जो मसीही हैं हम पर ख़ुदा ने बहुत बड़ा करम किया है कि एक तो ये कि हम मसीह घरानों में पैदा हुए हैं ये उसका बड़ा करम है और एक दूसरा ये कि हम मसीह हैं तो अपने इस ईमान में गहरे और मज़बूत रहना ख़ुदा के प्यार में और उसके प्यार को कबूल कर लेना महसूस कर लेना और फिर उसने जो हमारे गुनाहों को मिटाने के लिए अपने आप को हमारी खातिर क़ुर्बान कर दिया इसकी वैल्यू करना इसकी क़दर करना ये हम सब के लिए कितना ही ज़रूरी है और आज की अनजील मुक़दस में भी खुदाउन यसु मसीह बता रहे हैं कि मेरे नाम की वजह से यसू के नाम की वजह से ईज़ा रसानियाँ होंगी दुख और तकलीफ़ आएंगे लेकिन तुम सब्र से अपनी ज़िंदगी बचाओगे सबर जो है मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें तुम्हारी सर का एक बाल भी बीका नहीं किया जा सकता है। क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ तो मेरे अज़ीज़ भाई और बहनों सिर्फ ये ईज़ा रसानियाँ ही नहीं हैं बल्कि ये हमारे अंदर की जो ख्वाहिशें हैं या हमारी जो कमज़ोरियाँ हैं ये भी तो हमारे ईमान को ईज़ा रसानियाँ पहुँचा सकती हैं कि मैं कुछ लालत के बदले लालच के वजह से किसी को धोखा दूं तो क्या है ये कि मैं तो कमज़ोर पड़ गया अपने ईमान में या मैं किसी को नीचा दिखाने के लिए नासाफ़ी के ज़रिए उसके ख़िलाफ़ कुछ बोलूं या उसके ख़िलाफ़ कुछ ऐसा काम करूं कि वो नीचे गिरे तो ये भी तो ईज़ारसानी है यानी मेरी रूह ज़ख्मी मैंने कर ली अपना ईमान मैंने कमज़ोर कर दिया ताकि मैं अपनी किसी मनफी ख्वाहिश को पूरा कर सकूं तो ये सिर्फ़ ये नहीं कि कलिसिया में ईज़ा हो सकती है ये ईज़र रसानी मेरे अपने अंदर भी हो सकती है हमारे घर में भी हो सकती है ये कि जब हम सच्चाई को छोड़कर झूठ का साथ देते हैं या अमन की बजाय हम लड़ाई झगड़े करते हैं तो खुदा मसीह कहते हैं कि मुश्किल तो होगी यानी अगर सिंचाई पर चलना है तो उसमें बदी का मुकाबला करने में मुश्किल होगी लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ आइए मेरे अज़ीज़ भाई और बहनों एक तो वो जो बैरूनी ईज़ा रसानियाँ हैं उसमें भी अपने आप को मज़बूत और कायम रखें अपने ईमान में और जो अंदरूनी ईज़ा रसानियाँ हैं यानि वह जो मनफ़ी ख्वाहिशा जो मेरे अपने अंदर से निकलती हैं और मेरे ईमान को कमज़ोर करती हैं या मेरे ईमान पर हमला करती हैं उनसे भी ख़बरदार रहें और उनमें भी हम खुदाबंद यसु मसीह की इस बात को सुने कि सब्र के साथ रवादारी के साथ अपने ईमान में कायम रहें ताकि उन सारी कमज़ोरियों और उन तमाम मनफी ख्वाहिशा पर हम काबू रखें खुदावंदाब आपको और मुझे ऐसा ही करने की तोफीकता फ़रमाए आमेन